हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री के रिश्तेदार से उलझा युवक पुलिस ने पकड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में उनके रिश्तेदार से उलझे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री के रिश्तेदार और आरोपी युवक के बीच लेन देन का विवाद था। पुलिस ने आरोपी को पहले शांति भंग और फिर आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि खेतानाड़ी निवासी नासिर हुसैन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भांजे जसवंत सिंह कछवाहा के पुत्र प्रशांत से लेन देन का विवाद है। प्रशांत उससे उधारी मांगता है। पेट्रोल को लेकर नाजिल के वर्ष 2017 से रुपए बकाया थे। जितनी बार भी नाजिल ने चेक दिए वे सब बाउंस हो गए। ऐसे में वो प्रशांत से पावता इलाके में मिला। इस पर प्रशांत ने उसे उधारी लौटाने को कहा। तब नाजिल ने कहा कि आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन जब प्रशांत उसकी गाड़ी में बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि उसने गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। ऐसे में प्रशांत गाड़ी का हैंडल पकड़ा हुआ घसीटता चला गया। करीब 50 मीटर तक उसे घसीटा गया। तभी सामने से पुलिस की पीसीआर आ गई तो पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहां नाजिल के पिता ने बकाया 1.5 लाख का भुगतान कर दिया। महामंदिर पुलिस ने नाजिल को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में आया कि नाजिल हुसैन ने पूर्व में अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड किए थे, जिसको लेकर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से रिपोर्ट।